हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है DFCCIL 2016 पार्ट 4 और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जो दो थे हमारे DFCCIL के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द direct questions, okay? The algebraic sum of the voltage around any closed path is equal to zero. तो यार ये KVL की definition है, ठीक है? Kirchhoff's voltage law, ठीक है? So option D is the correct answer. Next, a square matrix is called a skew symmetric matrix. Square matrix को skew symmetric matrix इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो transpose है, its transpose is negative of itself, ठीक है? उसका जो transpose है, उसी का negative होता है, ठीक है? Next, The IDVGS characteristics of MOSFET in saturation regions के अंदर जो IDVGS characteristics हैं वो आपको एक तरीके से quadratic curve होता है, ठीक है? Quadratic curve होता है, कुछ इस टाइप का curve बनता है उसका, ठीक है? वो यहाँ से स्टार्ट होता है, V1 जो वोल्टेज आप यहाँ से ले लो, इस तरीके से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है? तो IDVGS की characteristic हमारी, ठीक है? और हमेशा याद रखना VDS is much greater than equal to VGS minus VT, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, a single phase pulse control circuit has a resistance and counter EMF load 200 sin 512t, ठीक है? तो आपको इनपुट दे रखा 200 sin 512t एज अ सोर्स वोल्टेज फॉर लोड काउंटर EMF ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा इसका। यहाँ पे आपका थायरिस्टर लगा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस और यहाँ पे 100 वोल्ट का जो लोड काउंटर ईएमएफ है, ठीक है? 100 वोल्ट ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका थायरिस्टर जिसका कुछ ना कुछ अल्फा फायरिंग एंगल है जो आपको निकालना है और ये आपका 200 साइन 512t ये आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है? नाउ वी नो दैट 200 साइन अल्फा जो काउंटर ईएमएफ 100 उसके इक्वल होगा, तो हमारा साइन अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 और अल्फा इस तरीके से मैं बोल सकता है अल्फा की वैल्यू जो है 30 डिग्री होगी, ठीक है? और रेंज ऑफ अल्फा जो होता है वो अल्फा से 180 माइनस अल्फा होता है, ठीक है? तो अल्फा तो 30 है, तो 30 टू 180 माइनस 30 इज 150, तो 30 टू 150 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, What will be the Laplace transform of e to the power minus bt? यार e to the power minus bt का Laplace transform क्या होगा बताओ? 1 में s plus b, ऑप्शन C is the correct answer. Okay, next question. Which one of the following element has forbidden energy के approximately equal to 6 electro volt? तो यार सबसे ज़्यादा forbidden energy band जो होता है वो हमारा insulator का होता है जो कि है 6 electro volt, ठीक है? PLA या PLA होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन TTL कॉन्फ़िगरेशन द टोटेम पोल सर्किट ऑन द आउटपुट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, ठीक है? ये क्या प्रोवाइड करता है हमें एक एक्टिव पुल अप एंड एक्टिव पुल डाउन सर्किट प्रोवाइड करता है, ठीक है? नेक्स्ट, ASK क्या होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ठीक है? अगर आपको याद हो जिन कोर्स परचेज कर रखा है हमारा ऐप के ऊपर, तो मैं अभी इस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम इस टाइम पे चली रही है, तो ASK मैंने अभी बताऊँगा आपको कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग क्या होता है, ठीक है? तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन दे रखा है आपको 13 रेडियन पर सेकेंड, जीटा दे रखा है 0.8, फाइंड द पीक टाइम। तो पीक टाइम का अगर आपको फॉर्मूला पर याद हो, पीक टाइम का फॉर्मूला होता है n π/omega d, ठीक है? तो n = 1 ले लेते हैं फॉर फर्स्ट ओवरशूट, तो π/omega d, ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा एन √1 माइनस में जीटा का स्क्वायर, ठीक है? तो π/में ओमेगा एन कितना है भाई? 13 दे रखा है, √1 माइनस जीटा का स्क्वायर 1 माइनस में 0.8 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ जाएगा π/में 13 × 0.6 आएगा, तो ये आपका राउंड आंसर आएगा 0.4 सेकेंड, ठीक है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग DA of A एंड D of B इन द गिवन सर्किट? भाई कौन सा रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है? तो मैं आपका आंसर बता रहा हूँ, आंसर है D of A मेरा फॉरवर्ड बायस है और D of B मेरा रिवर्स बायस है, याद रखना है इसको, ठीक है? तो D of A में देखो हमारी आउटपुट वोल्ट जो इनपुट वोल्टेज है वो मेरी 10 वोल्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर वोल्टेज बात करी जाए तो ये हमारी बड़ी होगी, तो D of A हमारा फॉरवर्ड बायस है, इस तरीके आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई की क्या वैल्यू होगी इन द गिवन डिजिटल सर्किट, ठीक है? यार ये एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट में क्या हो जाएगा ए बी सी बार, यही तो होगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट AMVM क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन को 4 बार टॉस करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स, ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड, ठीक है। तो ये हमारी सक्सेसिव इवेंट्स 4 होगा, ठीक है, टोटल इवेंट 16 हो जाएंगे, तो 4/16 जो कि 0.25 आएगा आंसर। नेक्स्ट अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABCD। ABCD की राउथ-हर्विट्ज़ अगर आपको लगाना आता हो तो राउथ-हर्विट्ज़ S³ S² S⁴ S⁴ 1 1.8 या जाएगा 2.4 0.5। तो S⁴ 1 निकालने के लिए यहाँ पे 2.4 × 1.8 या जाएगा 2.4 × 1.8 माइनस में 0.5 × 1 डिवाइडेड बाई 2.4, ठीक है। तो ये पहली वाली टर्म जो आएगी ए जो आएगा वो आपका 1.59 आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म के लिए ये वाला यहाँ पे ये होना जरूरी है, तो बी आपका 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म के लिए सी भी 0 आएगा, डी भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी आपका 0.5 आएगा, बी जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.5 आएगा। कैसे आएगा ये इन दोनों में, ठीक है। बी कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 1.59 × 0.5 माइनस में 2.4 × 0 डिवाइडेड बाय 1.59, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये इससे गया, ये इससे गया, 0.5 आंसर बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एन इवेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स विद प्रोबेबिलिटी, 4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 24 आउटकम्स पर सेकेंड पॉसिबल, ठीक है। एंट्रोपी के फॉर्मूले से कर सकते हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 हो जाएगा PI log 1 by PI, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ H इक्वल टू एंट्रोपी P1 log 1 by P1, ऐसी P2 log 1 by P2, ऐसी P3 log 1 by P3 प्लस P4 log 1 by P4, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका 1/2 प्लस 1/2 log 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 1/2 log 4, फिर ये आएगा 1/8 log 8 और ये आएगा 1/16 log 16, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल आंसर आपका 13/8 आएगा, ठीक है। जो कि आपका हमारा क्या होगा, बिट्स पर आउटकम। रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आप 24 से मल्टीप्लाई कर देना, हार हो गई। रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 13/8 × 24, 8 × 24, 13 × 39, 39 बिट्स पर सेकेंड आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टोक्स थ्योरम। यह स्टोक्स थ्योरम आपका क्या होता है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट इज नोन एज इक्विवेलेंस गेट। इक्विवेलेंस गेट हम एक्स नॉर गेट को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होता है, AB + A बार B बार, ठीक है। नेक्स्ट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम दे रखा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव रेट ऑफ फीडबैक कांस्टेंट KT, कंसीडर द डैम्पिंग रेशियो 0.9, 0.9 हमारी डैम्पिंग रेशियो है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा हमने क्या डेरिवेटिव रेट फीडबैक कांस्टेंट है ना, हमने कुछ नहीं करा। अब इसके अंदर देखो, ये हमारा हमने इसको ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36/S² प्लस में 3.6S प्लस 36, ठीक है। अब ये मेरा C' ऑफ S आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये मेरा R ऑफ S यहाँ पे R' ऑफ C जो कि R' ऑफ S मान लो आप इसे, ठीक है। ये मेरा समेशन है और यहाँ से जो मेरा फीडबैक जाएगा, डेरिवेटिव रेट ऑफ फीडबैक की बात कर रहा है ना वो, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा फीडबैक जाएगा वो जाएगा KT.S, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे C' ऑफ S अपॉन में R ऑफ S आप नया ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो वो आपका आएगा अराउंड 36 डिवाइडेड बाय S² प्लस 3.6 प्लस 36 KT × S प्लस 36, ठीक है। अगर आपको मालूम है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G ऑफ S अपॉन में 1 + GS HS, HS क्या है यहाँ पे KTS है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो ओमेगा n की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ओमेगा n = √36, ठीक है। तो 6 हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 zeta 2 जीटा ओमेगा एन जो किसके इक्वल हुआ, इसके 3.6 प्लस 36 के टी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करोगे, जीटा की वैल्यू आपके 0.9 है ही, डैम्पिंग रेशियो गिवन है, और ओमेगा एन आपका 6 है, तो के टी की वैल्यू यहाँ से आपकी 0.2 आएगी। Next question, question number 95. There are two curves in a graph. One is y equal to x square and other is y equal to x. Find the area enclosed. ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखें तो y equal to x square का कर्व क्या होगा, ये होगा, और y equal to x का कर्व क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं वन, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स ये आपका डी वाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक आंसर निकालेंगे तो 1/6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये कुछ 12th के भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ रखी है तो कुछ 12 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट नोड पी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो यार नोडल लगा लो सिंपल, वीपी माइनस 19 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 64 प्लस वीपी बाय 68 प्लस ये हो जाएगा वीपी माइनस 48 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो पूरे को, यहाँ से आप वीपी निकाल सकते हो, तो वीपी आपका 22.78 वोल्ट आएगा। अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, सिंपल एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार आप आंसर चेक कर लेना क्या आएगा, बाकी इक्वेशन हमारी यही बनेगी, आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द पोल, पोल क्या होगा, पोल हमारे जो डिनोमिनेटर के होते हैं वही पोल्स होते हैं, तो एक एस इक्वल टू 0 हो गया, एक एस इक्वल टू -2 हो गया, ये मेरे पोल्स हैं, 0 और -2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। एन एनर्जी सिग्नल एस ऑफ एफ इज इक्वल टू 19 दे रखा है, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम बताना है उसका, तो एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम होता है एस ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 361 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, के मैप डायरेक्टली या के मैप बना दो, ये ए बार, ये बी बार सी बार, ये बी बार सी, ये बी सी, ये बी सी और ये बी सी बार। ठीक है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, 5, ये 7 और ये 6। ठीक है, तो 0, 2, 4, 5, 6 है, 0, 2, 4, 5 और 6। ठीक है, एक तो क्वाड बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, एक क्वाड बन रहा है, तो क्वाड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड हो जाएगा हमारा सी बार। ठीक है, और एक ये बना लो, ये हमारा हो जाएगा ए बार बी बार, ए बी बार। ठीक है, तो ऑप्शन सी बार प्लस ए बी बार, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100। लास्ट क्वेश्चन, हमारे DFCCIL के प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यार ये हमारा क्या होता है, ये सिंबल किसका है, 2 ट्रांजिस्टर ऐसे लगा देते हैं इन्वर्टेड में, तो हमारा ये सिंबल बन जाता है ट्रायक का, याद रखना। ठीक है, और ये गेट आउटपुट निकला तो ट्रायक का बन जाता है। ठीक है, और ट्रायक हमारा कहाँ पे यूज होता है, फैन रेगुलेटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेट के थ्रू स्विचिंग ऑन और ऑफ की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, तो फैन रेगुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और ट्रायक की एक खास बात यह है, कैन कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर सकता है। ओके, देन टेक केयर, वी विल सी सम, मतलब मैं क्वेश्चन बैंक्स देखूंगा। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन बैंक्स लेकर आऊंगा यूट्यूब पर भी और अपने ऐप के ऊपर भी, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और यार लाइक और शेयर जरूर करा करो वीडियो को, और कमेंट में थोड़ा यार अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, तो और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए।